वीडियो स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको डोरी वाला बाजू बताऊंगी जो इसके लूप्स के साथ तैयार होगी और डोरी के साथ। ये पेवपट्टी है, ये मेरा आधा बाजू है। आप पूरा बनाना चाहें पूरा बना सकती हैं। आगे खुला मौसम आ रहा है तो आप इसको लीलन के सूट पे भी बना सकती हैं, क्योंकि उससे अगले मौसम में जर्सियाँ वगैरह पहननी हो जाएंगी तो फिर ये नहीं नज़र आएगा बाजू। तो इसलिए मैंने वैसे ही आधा बनाया आपको सिर्फ सैंपल के तौर पे बताने के लिए। तो ये मैंने बाजू इधर से देखें, ये दरमियान में ये काट है, अगर ना भी हुआ तो आपको काटना पड़ेगा क्योंकि हमने ये इसके अंदर जोड़ डालना। और उसके लिए ये मैंने पेपर पट्टी ली है, ये पेपर पट्टी है, पेपर पट्टी मैंने लंबाई पेपर पट्टी की और इस कपड़े की इस बाजू के मुताबिक ले लिया। अब ये कपड़ा इसको मैंने लिया है और इसको पेपर पट्टी के ऊपर चिपकाएंगे। और इसकी लंबाई तो बाजू के मुताबिक है और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ कितनी है। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है क्योंकि जब ये तैयार होगा तो तकरीबन ये 2.25 इंच और तैयार हो जाएगा। अब इसके लिए मैंने ये कपड़ा लेके इसके मुताबिक पेपर पट्टी की कटाई की है और पेपर पट्टी की कटाई करने के बाद ये मैंने इसके ऊपर ऐसे चिपका लेना है कपड़ा, इस तरह चिपका के इस कपड़े को तैयार कर लेना है। कपड़े को तैयार करने के बाद ये चीज़ है जो मैंने लूप्स ये तैयार की है, इनको मैंने इनके ऊपर लगाना है। लेकिन पहले जो मैंने डिज़ाइन आपको तैयार करके बताया था वो लूप्स आमने सामने लगती हैं और ये लूप्स इनके अगर ये मैंने लाइन एक साइड पे लगा ली है तो जो इस साइड पे लगाऊंगी तो वो मैंने इनके दरमियान में लगानी है। तो जब मैं लगाती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ। ये इंशाल्लाह आपको बहुत डिज़ाइन पसंद आएगा और जिस तरह मैंने पहले तैयार किया था वो भी बताऊँगी कि मैं पहले किस तरह तैयार किया था, तो ये नए तरीके से तैयार होगा। मैंने ये पेपर पट्टी चिपका ली है, इधर तो मेरी आ जाएगी ऊपर से सिलाई, ठीक है। इधर सिलाई का छोड़ के एक निशान मैं ये वैसे मैंने मैं निशान लगाती जा रही हूँ और इतना मेरा आगे से कवर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 निशान हैं, इनके दरमियान में मैंने ये निशान लगाने हैं, ठीक है। जब मैं डोरी डालूंगी फिर पहले और डोरी डालने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि पहले मेरा डिज़ाइन किस तरह था, अब मेरा डिज़ाइन किस तरह होगा। तो ये मैंने इसको इसकी कटाई कर लेनी है, 1.5 इंच की मैं लूँगी तो मेरी ये इतनी हो जाएगी कि मेरा ये वाली जो डोरी है इसके अंदर से आसानी से चली जाएगी। अब ये डोरी लगाते हैं, ये जो लूप्स हैं ये लगाते हैं इधर। एक साइड में अपने ध्यान लगा के वो दूसरे जो साइड पे लगाएंगे वो उनके दरमियान में लगाएंगे। सीधा ये लूप्स पे लगा लूँगी, दरमियान लगेंगी इस तरह। ये जब मैं लगा चुकूंगी तो फिर मैंने इसको ये बाजू के साथ लगा लेना है, इस कपड़े को ऐसे रख के तो इस तरह सिलाई लगाऊंगी तो ताकि इसके ऊपर ऊपर लगे। फिर दूसरी भी मैंने इसी तरह इसको जोड़ लिया, जोड़ के लिए क्या तो एक साइज से मैंने ये टसल का ये वाला फूल उतार लिया। और ये आप मैं बताने लगी हूँ कि पहले जो मैंने डिज़ाइन बनाया था वो हमने ऐसे करके तो आमने सामने इसको रखा था, यानी कि आमने सामने रख के फिर हमने इसको ऐसे डिज़ाइन इसका तकरीबन 1 तो छोड़ के और 1 में डाल के हमने क्रॉस बनाया था, ठीक है।
पहले जो हमने बनाया था वो कुछ इस तरह था। इस तरह, ठीक है। लेकिन अब हम जो बना रहे हैं वो थोड़ा हट के बना होगा, और उसका तरीका ये है। ये हमने कसर जो नीचे रखना है, इधर नीचे वाला बाजू है, आगे वाला हिस्सा वो हम नीचे रखेंगे, और अपनी तरफ इसको जो बाजू है जिसका हम ऊपर वाला कंधे वाला हिस्सा होगा वो हम अपनी तरफ रखेंगे, और ये बाजू ऊपर की तरफ रखेंगे, जिसका आगे वाला बाजू है ये हम ऊपर की तरफ रखेंगे। और ये इसका तरीकाकार ये है कि ये हमने ऊपर की तरफ से लेके आना है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये देखें ऐसे, और ये चीज़ है आपने इसको, आपको नहीं पता चल रहा तो आप जिस तरह मैंने ऐसे इसको ऐसे करके मोड़ के फिर आप इसको ऐसे डाल के ऐसे देख लें, इस तरह ऐसे, ऐसे ले आपने इस तरह क्रॉस इसका बनाना है ऐसे। ऐसे क्रॉस बना के आएंगे, हमने इधर आके इसको एक मोटी सी ऐसे गिरा लगा दें, ताकि जब हम ये ऊपर वाली सिलाई इसके कंधे के साथ लगाएं तो ये वाला हिस्सा बाहर ना आए, इसके मुताबिक ऐसे, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, और इधर आप हल्का सा इधर ऐसे कोई, जब हम तैयार कर चुकेंगे इसको ऐसे सिलाई लगा के, तो इधर आप कोई आप टांका लगा दें, या इधर आप जो है कोई मोती लगा लें, या कोई बटन लगा लें, या कोई नग लगा लेंगे, इधर ये टाइट हो जाए, तो फिर ये इसी तरह आप गला भी बना सकती हैं, घेरा भी बना सकती हैं, बाजू भी बना सकती हैं, बाजू के इस साइड पे बना सकती हैं। ये मैंने फूल ऐसे बाजू बनाया, तो जब हम ये कंधा जोड़ेंगे तो ये आप घेरा ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि फिर हम इधर सिलाई लगाएंगे तो फिर ये ऐसे खींचते भी होगा तो ये ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए, ये मेरा फूल बाजू तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।